अच्छा, एक याद है, मैंने बताया था कि कार्नाफ मैप पे ना डेसिमल नंबर्स होते हैं, ठीक है? ये 4 बिट का है, मैं 2 बिट का बताती हूँ। सर, सही आ रही है बस? सही है। अच्छा, अब देखें, जो हम 3 बिट का बनाते हैं ना, 3 बिट में जो हमारे डेसिमल नंबर्स होते हैं ना, वो डेसिमल नंबर को हम किस तरह से लिखते हैं कि जो फर्स्ट सेल होता है वो 0 होता है, सेकंड सेल 1 होता है, थर्ड सेल 2 होता है, फोर्थ सेल 3 होता है, फिर जो ये वाला सेल होता है ये 6 और 7 है, फिर 4 5 है। अब देखें यहाँ पे ना सीक्वेंस जो है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो रही है, 0 1 2 3 यहाँ तक बिल्कुल परफेक्ट थी। अब असूलन जो है यहाँ पे 4 और 5 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 4 और 5 जो है वो यहाँ आ गया, 6 और 7 यहाँ आ गया, ठीक है? वो इसलिए कि अगर आप ट्रुथ टेबल देखें तो 3 बिट का जो हम ट्रुथ टेबल, नहीं सॉरी, 2 बिट का जो हम ट्रुथ टेबल बनाते हैं तो वो कैसे बनाते हैं, 0 0 1 1, ठीक है, 2 0 2 1, और जो उसमें सेकंड वेरिएबल होता है वो कैसे होता है, 1 0 1 1, 1 0 1 1। यहाँ पे देखिए सीक्वेंस ख़राब हो रही है, ठीक है? तो उसमें क्या होता है ट्रुथ टेबल में, जी, मैं डोंट केयर कंडीशन ही बता रही हूँ। तो डोंट केयर कंडीशन बताने के पीछे का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पे देखें कि क्या आ रही है, 0 0 0 1, यहाँ पे जो है वो 1 0 आना चाहिए था, फिर 1 1 आना चाहिए था। यहाँ क्या हो गया, इन दोनों ने ना अपनी प्लेसेस स्विच कर ली, 1 0 नीचे आ गया, 1 1 ऊपर चला गया। तो ये कार्नोफ मैप का रूल है, इसको हम सिर्फ रट्टा लगा सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते है। तो क्या होना था कि 0 1 2 3 4 5 6 7 आना था, क्योंकि इसने अपनी जगह यहाँ से यहाँ ले आया तो 4 और 5 भी यहाँ आ गया, और ये यहाँ से यहाँ चला गया तो 6 और 7 यहाँ हो गया, ठीक है? तो इसकी लॉजिक याद रखिएगा। 4 बिट का भी कुछ इसी तरह से है, ठीक है? 4 बिट में क्या है, ऊपर से भी हमें देखना है, ठीक है? ये है 0 0, ये है 0 1, 1 0 की जगह यहाँ पे आ रहा है 1 1, और फिर 1 0 ये रहा, यहाँ पे भी ये 0 0 0 1 1 1 1 0। तो क्या आ रहा है, 0 1 2 3 4 5 6 7 एट सॉरी 12 13 14 15 8 9 11 10, सॉरी 8 9 10 11, ठीक है? तो इसको याद रखिएगा। अब हमारी जो डोंट केयर कंडीशन है वो कहाँ से लगती है, वो लगती है 10 से लेके 15 तक, ठीक है? यानी कि 10 11 14 15, सही है? तो ये जो 10 है यहाँ पे एक एक्स लग जाएगा, 11 पे लग जाएगा, 12 13 14 15, ठीक है? तो अब इस अगर तस्वीर को देखें तो ये क्या है, 10 11 14, 10 11 12 13 14 15, ठीक है? यहाँ पे सारे क्रॉस लग गए, ठीक है? तो डोंट केयर कंडीशन हमेशा इन्हीं जगह पे क्रॉस लगेंगे, लेकिन टीचर जो है उन्होंने कहा था कि वो जो है इस रूल से हट के ना वो आगे पीछे भी कहीं पे क्रॉस लगा देंगी, तो आपको उन्हीं से सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा, अब डोंट केयर कंडीशन का फ़ायदा क्या होता है, डोंट केयर कंडीशन का फ़ायदा ये होता है कि जैसे इसका नाम है डोंट केयर, तो आप इस एक्स की जगह 0 लगा सकते हो, 1 लगा सकते हो, ठीक है? इस एक्स को आप 0 कंसिडर कर सकते हो, 1 कंसिडर कर सकते हो, तो वो डोंट केयर है, यानी कि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप यहाँ पे 1 लगा दो, यहाँ पे 0। अब देखो यहाँ पे जो है ना 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जो है ना यहाँ पे क्या है, 8 9 10, 8 सॉरी 7 8 9, 7 8 9 पे क्या है, 1 1 1 है, 1 1। अगर आप इस 1 की जगह 0 लगा देते हो ना तो वो गलत है, ठीक है? वो बहुत ज़्यादा केयर कंडीशन है, चाहिए कि आपको केयरफुली मार्किंग करनी है। डोंट केयर कंडीशन, आप यहाँ पे एक्स लगा हुआ है तो आपको जो है इसको 1 कंसिडर कर लो, 0 कंसिडर कर लो, कुछ भी कंसिडर कर लो, कुछ भी नहीं, 0 1 इन दोनों में से कुछ भी कंसिडर कर लो। ऑब्वियसली आप जो है वो पॉस में 0 कंसिडर करोगे, सॉप में 1 कंसिडर करोगे, ठीक है? अब इसका फ़ायदा क्या होता है,
इसका फायदा जो है वो ये होता है कि आप जो है वो इसकी ग्रुपिंग बड़ी से बड़ी कर सकते हो, ठीक है। अब आप फॉर एग्जांपल इन दो वन को देखो, अगर इन दो वन की हम ग्रुपिंग करते हैं तो इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, ए बी बार सी बार, ठीक है। ये तो एक काफ़ी बड़ी सी ही इक्वेशन बन गई। आप इस पूरे ये सारे एक्स को और इन वन को, इन पूरे का एक ग्रुप बना दो तो ये ऊपर से तो ये पूरा ही कट कट हो गया, ठीक है। यहाँ से बी बार इंटू बी कट हो गया, बचा क्या ए, सही है। तो इस इक्वेशन से अच्छा नहीं है कि ये वाली इक्वेशन बन जाए ए, ठीक है। सिंप्लीफाइड का मतलब है कि जितनी छोटी सी छोटी इक्वेशन हो सके आप उतनी इक्वेशन बना। तो कार्नोफ मैप का रूल है, जितना बड़ा ग्रुप बन रहा है ना उतना बड़ा ग्रुप बना। तो डोंट केयर कंडीशन हमारी हेल्प करती है बड़े से बड़ा ग्रुप बनाने में, ठीक है। बड़े से बड़ा ग्रुप बनाने में हमारी हेल्प करती है। तो विदाउट डोंट केयर कंडीशन हमारी जो है वो इक्वेशन बन रही थी ए बी बार सी बार प्लस ए बार बी सी डी। डोंट केयर के साथ हमारी कंडीशन बन गई ए प्लस बी सी डी, ठीक है, छोटी इक्वेशन बन गई। अच्छा, अब ऐसा नहीं है कि ये चार जीरो हैं, सही है। फॉर एग्जाम्पल ये चार जीरो हैं और इन चारों का आपने वन कंसिडर करके ग्रुप बना दिया, नहीं ऐसा नहीं कर सकता है। ऑलरेडी कोई वन या जीरो है तो ही आप उसके साथ डोंट केयर बना सकते हो, वरना अकेले डोंट केयर के साथ आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। अकेले डोंट केयर के साथ आप कुछ नहीं ग्रुप बना सकते। हाँ, अगर उसके साथ कोई एक वन या एक जीरो भी आ रहा है ना तो फिर आप उसका ग्रुप बना सकते हो, ठीक है। तो ये हमारी बन गई डोंट केयर कंडीशन, ठीक है। अब आते हैं फंक्शंस। अच्छा, मुझे बताओ आप में से किस किस को फंक्शंस नहीं आते, कि मैं बिल्कुल फंक्शंस को डीप में पढ़ाऊँ या फिर बहुत स्लो सा पढ़ाऊँ, कि मतलब बस ऊपर ऊपर से। सही है, सभी को आते हैं फंक्शंस लगता है। ओके, फंक्शंस बेसिकली क्या होते हैं? क्या दोबारा से बताऊं, सिंगल वन हो तो चार को कंसीडर करेंगे? आपका सवाल समझ नहीं आया। अच्छा, ये डोंट जो केयर डोंट कंडीशन, ये जो डोंट केयर है ना, ऑफ कर दे, मैं समझ गई। अच्छा, डोंट केयर मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे ना ये जो दो यहाँ पर जो एक्स है जिसको हम सिंगल ग्रुप कंसीडर कर रहे हैं, अगर हाँ वहां पर एक्स की जगह अगर सिर्फ सिंगल वन हो तो वो पूरा चार लेंगे या फिर पूरा आठ का ग्रुप बनाएंगे? अगर एक वन आ रहा है तो भी आठ का, अच्छा लेकिन आठ का ये ना बन नहीं सकता, पता है क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे हमारा सिर्फ ये वाला वन आ रहा है तो फिर वो ना चार का ग्रुप बनेगा, ठीक है। छः का ग्रुप नहीं बन सकता, ठीक है। तो यहाँ जो है वो फिर हम चार का बना देंगे। से फॉर एग्जांपल ये वाला जो वन है ये नहीं है, यहाँ पे है सिर्फ वन, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक वन आ रहा है तो हमें बड़ा सा बड़ा ग्रुप बनाना है, तो एक वन का सबसे बड़ा ग्रुप कितना बन जाएगा, चार का ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे नहीं है दो सही। है, यानी कि दोनों जगहें ये फिलअप हो रही थी तो इसलिए चार का ग्रुप बन गया, ठीक है। यहाँ पे जैसे एक वन है तो ये जो है एक ही का ग्रुप बन रहा है, एक एक्स इसने ले लिया वन और एक का ग्रुप बन गया, ठीक है। अच्छा, अगर सिर्फ ऊपर वाली लाइन में एक वन आ रहा हो और बाकी ऊपर वाली लाइन में तो चार एक्स है सिर्फ वो हो, नीचे कोई वन ना हो, तो ऊपर वाले में चार का बनाएंगे या दो का बनाएंगे? ये वाला वन या आप नहीं कह नहीं रहे नहीं हैं? नहीं इसके नीचे वाली लाइन में जो यहाँ पर एक्स लिखा हुआ है ना, जिसको ग्रुप में शामिल कर रहे हैं, हाँ ये वाला, हाँ। वहां पर अगर सिर्फ वन हो और नीचे वाली लाइन में कोई वन ना हो तो ऊपर सिर्फ चार का ग्रुप बनाएंगे या चार का ग्रुप बनाएंगे या दो का बनाएंगे? यहाँ पे वन हो ही नहीं सकता, ठीक है। जहाँ पे एक्स लिख दिया है ना उस एक्स को हम सिर्फ ग्रुप में लेके वन या जीरो कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन इनकी जगह पे कोई एक्स वन या जीरो नहीं आ सकता। अच्छा, वो तो सेवन सेगमेंट की वजह से नहीं आ सकता ना? जी बिल्कुल, सेवन सेगमेंट की वजह से नहीं आ सकता, सही है, सही है, शुक्रिया। अच्छा। फंक्शंस, फंक्शंस बेसिकली क्या होते हैं कि आपको सिर्फ इतना सा सवाल मिलता है, ठीक है। अब देखो ये सवाल सिर्फ इतना है, इसका
आंसर कितना बड़ा है, ट्रुथ टेबल बनाओ, इसका कार्नोफ मैप बनाओ, फिर इसकी सर्किट डायग्राम बनाओ, ये इतना बड़ा इसका आंसर है, ठीक है। तो सवाल क्या है, वो कह रहा है कि ट्रुथ टेबल बनाओ y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर के लिए, जहाँ पे जो x है वो 3-bit इनपुट वेरिएबल है, ठीक है। उसने बता दिया कि ट्रुथ टेबल बनाना है, हमारे पास वेरिएबल्स कितने, 3 है, कार्नोफ मैप बनाना है, ठीक है, और फिर कार्नोफ मैप की एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करना है, और फिर सर्किट बनाना है उस एक्सप्रेशन का। तो हम ये बनाते कैसे हैं जी, फंक्शंस का टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, हो सकता है टीचर कोई एक सवाल दे दें जो पूरा ही फंक्शन पर हो, ठीक है, वो एक्स क्यूब प्लस वन दे दें, ठीक है, एक्स प्लस वन दे दें, कुछ भी वो दे सकती हैं, फोर बिट इनपुट का दे दें, ये असाइनमेंट में था, एक था एक्स क्यूब और एक था एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये असाइनमेंट में था क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपने ये सिंपल ट्रुथ टेबल बना दिया, अब इन कॉलम्स को भूल जाएं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या काम किया है, सबसे पहले कि ये सारे हमारे डेसिमल नंबर है ना, ये 0 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो उस डेसिमल को ना हमने x कंसिडर कर लिया, ठीक है। तो y इज इक्वल्स टू x, x की जगह जो है वो हम सारी वैल्यूज डाल देंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब x क्या था, x स्क्वायर था, तो उन सब का स्क्वायर ले लेंगे, स्क्वायर लेके ये सारे हमारे पास ना नंबर्स आ रहे हैं, 0, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, ठीक है। अब जो आपका लास्ट नंबर होता है ना, वो सबसे बड़ा नंबर आता है, इस सबसे बड़े नंबर को ना आप बाइनरी में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल पहला हमारे पास जो कॉलम होता है दैट इज 1, 2, 4, 8, 16, 32, ठीक है, हम ये चलते जाते हैं, ठीक है, ये सारी 2 की पावर है, 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 4, 5, ऐसे ही होता है ना, हाँ ऐसे ही होता है। तो ये सारी हमारी 2 की पावर चल रही हैं, तो 32 पे हम आगे क्यों रुके हैं, क्यों, क्योंकि 32 जो है वो 49 से छोटा नंबर है, अगर हम 32 से आगे जाते हैं तो फिर जो है वो हमारा नंबर बनता है 64 जो है वो हमारा 49 से बड़ा नंबर है, तो हमें जो है जैसे ही इस नंबर से छोटा नंबर आए वहाँ तक रुक जाते हैं। अब इसका हम बाइनरी कैसे निकालेंगे, 49 इन सारे नंबर्स को, सारे नहीं, इनमें से कुछ ऐसे नंबर्स को प्लस करना है कि हमारे पास 49 रिजल्ट आ जाए, सही है, हमने यहाँ पे लिखा 1, 32 प्लस 16, 42, 48, ठीक है, यहाँ पे लिखा 48 और 1, 49, ये सारे हमारे 0 हो गए। बाइनरी नंबर क्या बना, 1, 1, 0, 0, 0, 1, ठीक है, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, ये हमारा 49 का बाइनरी नंबर है, ये कितना बिट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 बिट है, तो हमें कॉलम कितने बनाने, 6 कॉलम्स बनाने हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमें होता है कि हमने 6 कॉलम्स बनाने हैं, ठीक है, तो ये हमने 6 कॉलम्स बना लिए। अब कॉलम ये स्टार्ट होते हैं, ये जो ये वाली नंबरिंग होती है ना, 2 की पावर 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये वाली जो है वो राइट टू लेफ्ट जाएंगे, और ये जो y0, y1, y2, y3, y4 है ये लेफ्ट टू राइट जाएंगे, तो ये हमारे पास 6 कॉलम्स बन गए। अब क्या करेंगे, जो 0 नंबर आया है ना, इसको अब यहाँ पे देखेंगे, तो ये 0 है तो कोई नंबर हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये पूरा 0 हो गया। 1 है तो ये रहा हमारे पास 1, यहाँ पे हमने 1 लिखा, बाकी सब 0 हो गया। 4 है तो ये रहा 4, यहाँ पे हमने 1 लिखा, बाकी सब 0 हो गया। 9 है तो यहाँ पे हमने 8 को किया 1, 1 को किया 1, बाकी सब 0 हो गया, सही है। तो इस तरह से ये हमने पूरा टेबल बना लिया। अब कार्नोफ मैप बनाना है, एक इसका, 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 इसका और इसका, सही है, इन सब का हमें कार्नोफ मैप बनाना है सेपरेटली, वाई नॉट, वाई वन, वाई टू, वाई थ्री, वाई फोर, वाई फाइव। वाई नॉट का बनाया, उसकी एक्सप्रेशन ये आई, सही है, वाई वन की ये एक्सप्रेशन आई, वाई टू की ये आ गई, वाई थ्री की ये आ गई, वाई फोर की 0 आ गई, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई 1 ही नहीं है, ठीक है।
ठीक है, अब यहाँ टेबल में देख लो वाई फोर पे कोई वन है ही नहीं, तो ज़ीरो आ गए, वाई फाइव आ गई, ठीक है। अब इसकी सर्किट डायग्राम बनाती, ठीक है, तीन इनपुट ली, पहला हमारा था ए बी, एक एंड गेट लगाया, ए लिया बी लिया और ये बन गए, ठीक है। तो ये इस तरह से इसकी पूरी सर्किट डायग्राम बन गई। तो ये होते हैं फंक्शंस, ठीक है। अच्छा एक चीज, ये जो ट्रुथ टेबल में हम y नॉट टू y फाइव लेफ्ट साइड टू राइट साइड गए थे, ये जरूरी है? जी जरूरी है। सही। अच्छा अब हमारे पास आते हैं एडर, सही है। एडर होते क्या हैं? एडर्स जो हैं अच्छा एडर जो होते हैं वो क्या करते हैं, दो बिट बाइनरी, यानी कि जो दो बिट हैं और दोनों जो हैं वो सिंगल हैं, उसको ऐड करने का जो रूल होता है, सॉरी सिंगल नहीं, इसको भी छोड़ दो, वो बिट्स को, दो बिट्स को ऐड करने का जो रूल होता है, दैट इज़ एडर्स, ठीक है। यानी कि आप बिट्स को ऐड करवाते हो तो वो एडर्स होते हैं, ठीक है। एडर्स एडिशन, एडर्स एडिशन, और एडिशन किसकी होती है? बाइनरी की होती है, ठीक है, क्योंकि 0110 इसके अलावा हमारे पास कोई नंबर होते नहीं है, ठीक है। तो इनकी एडिशन जो होती है वो कहलाती है बाइनरी। अब बेसिक एडर्स, इनकी जो एडिशन होती है वो कहलाती है एडर्स। अच्छा अब जो बेसिक एडर्स हैं वो हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है हाफ एडर, एक होता है फुल एडर, ठीक है। फिर एक टाइप आती है वो होती है पैरेलल एडर, लेकिन पैरेलल एडर जो है वो कोई और चीज़ नहीं होती, वो हाफ़ और फुल को बना के ही बनती है, ठीक है। तो बेसिक जो होती है वो हाफ एडर, जैसे कि अगर गेट्स को देखें तो हमारे पास गेट्स तो सात हैं, लेकिन बेसिक गेट्स कितने हैं? एंड और नॉट, ठीक है। क्यों उनको बेसिक कहते हैं? क्योंकि उनको मिला के ही दूसरे गेट्स बनते हैं, दूसरे गेट्स कोई अपने नहीं होते, वो उनको बना के ही, उनको मिला के ही बनते हैं। तो इसी तरह से हाफ एडर और फुल एडर बेसिक गेट्स होते हैं, इनको मिला के ही दूसरे गेट्स और दूसरे एडर्स बने। अच्छा अब ये जो बेसिक होते हैं ना, ये बाइनरी एडिशन के लिए तो सारे ही होते हैं, तो ये दो होते हैं बेसिक। तो हाफ एडर क्या होता है? हाफ एडर जो है उसकी दो इनपुट्स होती हैं, ए और बी, ठीक है। दो इनपुट्स होती हैं ए और बी, और दोनों जो हैं वो सिंगल बिट होते हैं, ठीक है। याद रखिएगा सिंगल बिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट याद रखने का। दोनों इनपुट सिंगल बिट होती हैं, ठीक है। दो इनपुट होती हैं, दोनों सिंगल बिट, ठीक है। सिंगल बिट से मुराद या ज़ीरो होगी या वन होगी, 0110 ये नहीं हो सकती, सिंगल बिट रहेगी हमेशा, ठीक है। तो इसमें दो इनपुट होती हैं, दोनों ही सिंगल बिट होती हैं, और इसमें आउटपुट भी दो होती हैं, एक होती है सम, एक होती है कैरी, ठीक है। इनपुट होती हैं ए और बी, आउटपुट होता है सम और कैरी, ठीक है। तो सम और कैरी के सिम्बल्स भी हैं, सम को सिग्मा से डिनोट करते हैं, कैरी को सी आउट से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब इनकी ना इक्वेशंस होती हैं कुछ, कि जो सम होता है, जो कैरी आउट कहते हैं, कैरी आउट जो होता है उसकी इक्वेशन होती है ए इंटू बी, यानी कि एंड गेट अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो सी आउट को हम कैसे गेट करते हैं? ए इंटू बी, यानी कि एंड गेट हो रहा होता है। तो अगर इसका ट्रुथ टेबल देखें तो ए और बी एंड गेट, एंड गेट की एप्लीकेशन क्या होती है कि जब दोनों हाई होंगे तभी वन आएगा, वरना ज़ीरो रहेगा। तो यहाँ क्या है? ज़ीरो ज़ीरो पे ज़ीरो, ज़ीरो वन पे ज़ीरो, वन ज़ीरो पे ज़ीरो, वन वन पे वन है, ठीक है। तो ये हमारा आ गया सी आउट। अच्छा अब सम की इक्वेशन क्या आती है? सम होता है, सम की इक्वेशन आती है ए ज़ोर बी, ठीक है, ए ज़ोर बी, ठीक है। ज़ोर क्या? ज़ोर गेट। ज़ोर गेट की एप्लीकेशन क्या होती है कि अगर दोनों सेम इनपुट होंगी तो जो है वो ज़ीरो रहेगा, अगर सेम इनपुट नहीं होंगी तो वन रहेगा। तो यहाँ पे देख लें, ज़ीरो ज़ीरो पे ज़ीरो है, ज़ीरो वन पे वन है, वन ज़ीरो पे वन है, वन वन पे ज़ीरो है। अच्छा अगर इस तरह, अगर इस, ये जो है इसकी एप्लीकेशन और इक्वेशन है, ठीक है, ये दोनों इसकी इक्वेशन है, ये कैरी की इक्वेशन है, ये सम की इक्वेशन है, इसको याद रखिएगा, ठीक है, इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा तो
क्या होता है कि ये अगर हम बाइनरी एडिशन देखें तो क्या क्या होता है, 0+0 0 होता है, 0+1 1 होता है, 1+0 1 होता है, और 1+1 0 और 1 जो है वो कैरी होता है, ठीक है, 1 कैरी होता है। तो आप यहाँ पे अब इनके ट्रुथ टेबल को देखो, 0 0 जो है वो 0 होता है, ठीक है, ये कैरी है, ये सम है, यानी कि ये रिजल्ट है और ये कैरी है। 0 1 पे 1 होता है, 1 0 पे 1 होता है, और 1 1 पे 0 होता है, और जो कैरी है वो 1 जाता है, ठीक है। आप इस लॉजिक से चलो तो भी हमारा ट्रुथ टेबल ज़बरदस्त है, लेकिन याद रखने के लिए और इसकी इक्वेशन निकालने के लिए हमने कहा कि जब हम ये ट्रुथ टेबल पे अप्लाई करेंगे, 0 0 की एडिशन 0 है, 0 1 की एडिशन 1 है, 1 0 की एडिशन 1 है, 1 1 की एडिशन 0 लेकिन उसका कैरी 1 है, तो अब अगर इनको सेपरेट देखें तो यहाँ पे एंड की एप्लीकेशन आ रही है, यहाँ पे जोर की एप्लीकेशन आ रही है, तो इस तरह से इनकी इक्वेशन निकली है, ठीक है, कैरी की ये इक्वेशन और जोर की ये इक्वेशन। एडर्स का क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, वो कहें कि हाफ एडर और फुल एडर की इक्वेशंस बताएं और इनकी सर्किट डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, या फिर वो पूछ बोल सकती हैं कि 2-bit पैरेलल एडर पूरा बनाओ, ठीक है, तो पैरेलल एडर हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे, या फिर वो कहेंगी कि इनके ट्रुथ टेबल्स बना दो, इनकी इक्वेशंस बना दो, इनकी सर्किट डायग्राम बना दो, तो इस तरह से इनके सवाल आते हैं। अब इसकी सर्किट डायग्राम कैसे बनेगी, सी आउट जो है वो हमारा एंड गेट है, तो यहाँ पे एक एंड गेट बना, ए और बी इनपुट दिया, ये हमारा सी आउट आ गया, ये जो है वो हमारा जोर है, तो ए और बी इनपुट दिया जोर गेट में और ये हमारा आउटपुट आ गया ए जोर बी, ठीक है, तो ये हाफ एडर कंप्लीट हो गया यहाँ पे। सही है, हमारा हाफ एडर कंप्लीट हो गया, अब फुल एडर डायग्राम जो है वो ये रही ना, हमने कुछ भी नहीं किया है डायग्राम में, जो हमारे पास सिंपल इक्वेशन आई थी ना, उस इक्वेशन की हमने डायग्राम बनाई है, ठीक है, जैसे हम सर्किट डायग्राम नहीं बनाते, उस सर्किट डायग्राम में करते हैं, अगर हमारे पास इक्वेशन आई है ए बी प्लस ए बी बार, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले b का बार निकालेंगे, ठीक है, ए बी ऐसे ही रहेगा, b का बार निकालेंगे, फिर हम निकालेंगे a इंटू बी जिसका ये आउटपुट आएगा, फिर हम निकालेंगे a b बार जिसका जो आउटपुट आएगा, फिर हम उसकी उसी तरह डायग्राम बनाते हैं, फिर उन दोनों को की आउटपुट को हम एक और गेट में कर देते हैं, तो इसकी भी इसी तरह से है कि हमने दो इनपुट ली हैं, ठीक है, दो इनपुट ली हैं a और b, और गेट हम क्यों करेंगे यूज़, और गेट की तो एप्लीकेशन ही नहीं आ रही है, जोर की एप्लीकेशन आ रही है ना, और गेट की एप्लीकेशन क्या होती है कि कोई एक भी वन हो तो वन होता है, यानी कि 0 1 पे भी 1 1 0 पे भी 1 1 1 पे भी 1, यहाँ 1 1 पे तो 0 आ रहा है ना, तो ये जोर की एप्लीकेशन है कि जब सेम इनपुट हो तो 0 0, डिफरेंट इनपुट्स हों तो 1 1, ठीक है, तो इसलिए हमने जोर यूज़ किया है। अच्छा, अब देखो एक एंड गेट लगा दिया, उसमें ए और बी की इनपुट दे दी, तो ये हमारे पास सी आउट आ गया, ए और बी की इनपुट हमने जोर गेट में दे दी, तो ये सिंपल 2 इनपुट के दोनों गेट्स बने हुए हैं और कुछ भी नहीं है, हाफ एडर 2 इनपुट के दोनों गेट्स हैं, बस दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है ये। अब फुल एडर, फुल एडर जो है वो हाफ एडर की ही तरह होता है, ठीक है, जैसे हाफ एडर में हम सिंगल बिट 2 इनपुट लेते हैं, यहाँ पे भी हम 2 इनपुट लेते हैं, लेकिन एक और इनपुट लेते हैं जो कि होता है कैरी इन, ठीक है, वहाँ पे 2 इनपुट थी ए बी, यहाँ पे 3 इनपुट हैं ए बी और इनपुट कैरी, आउटपुट सेम हाफ एडर की तरह है, ठीक है, तो ये भी हाफ एडर की ही तरह हुआ जिसमें ए बी इनपुट ली और आउटपुट जो है वो सम और कैरी है,
यहाँ पे बस एक इनपुट का इजाफा हो रहा है जो कि है सी एन, ठीक है, उसके अलावा इसमें और कोई डिफरेंस नहीं है, हाफ एडर्स है। इसका भी हम इनपुट वो बना लेंगे ट्रुथ टेबल, उसका ट्रुथ टेबल जो है वो 2 बिट का था, इसका ट्रुथ टेबल 3 बिट का है। तो यहाँ पे आउटपुट 2 हैं, सम है और कैरी है। अच्छा, इसकी जो इक्वेशन है ना वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है, ठीक है। उसकी इक्वेशन तो बहुत आसान थी, सी आउट हमें मिलता था ए और बी का एंड गेट करके, और सम हमें मिलता था ए और बी का जोर करके। अब यहाँ पे ना सी इन भी आ गया है, तो अब इसका ट्रुथ टेबल थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। तो पहले इसकी इक्वेशन देख लेते हैं कि जो सम है ना, सम कैसे निकलेगा कि पहले ए और बी का जोर करना है, फिर जो आंसर आएगा उसको सी इन के साथ जोर करना है, तो हमारा सम निकलेगा, ठीक है। तो अब फॉर एग्जांपल 0 0 हमारा जोर क्या होता है 0, फिर उस 0 को सी इन से किया, जोर क्या आया 0। अब ये है 0 0 0, फिर इस 0 को किया 1 से, 0 1 इस 1, 0 1 1 1 0 1, 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 sorry 1 1 0 0 1 1, ठीक है। तो ये सम की हमारे पास आ गया कि हमने सम को कैसे सॉल्व किया हुआ है। पहले ए और बी का जोर करेंगे और फिर जो आंसर आएगा उसको सी इन के साथ जोर करेंगे, तो हमारे पास सम आ जाएगा। अब ये इसका जोर वो आ गया, इसकी जो कैरी है उसका आता है रिजल्ट, एक मिनट, कैरी की इक्वेशन नहीं लिखी हुई, कैरी की इक्वेशन बेसिकली आती है, ये आती है कैरी की इक्वेशन, ए बी प्लस ए जोर बी इंटू सी, यानी के पहले हमने ए बी का एंड गेट करना है, फिर हमने ए जोर बी करना है, ए जोर बी का जो आंसर आएगा उसको सी इन के साथ जो है एंड करना है, फिर उसके बाद ए बी और इसका जो रिजल्ट आएगा उसको और गेट करना है, तो उससे हमारा सी आउट निकल कर आएगा, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन जब ये हमें इक्वेशन याद हो जाएगी ना, इक्वेशन याद कर ली तो फिर ट्रुथ टेबल बनाना मुश्किल नहीं है। तो ये इस तरह से हो जाता है। अच्छा, एक मिनट दिएगा। अच्छा, तो फुल एडर की डायग्राम भी इसी तरह से है, ठीक है। सबसे पहले हमारी सम की इक्वेशन क्या थी, ए जोर बी, फिर ए जोर बी को हमने जोर किया सी एन से, ठीक है। तो सबसे पहले हमने ए जोर बी किया, यानी कि एक एंड जोर गेट में ए और बी किया, फिर उसकी आउटपुट और सी इन की, सी इन को लेके इनको जोर कर दिया, तो हमारे पास सम आ गया। फिर जो है वो हमने सी आउट कैसे किया, सी आउट में जो है वो हमने सबसे पहले किया ए जोर बी का एंड गेट, ठीक है। तो ए जोर बी जो है वो ऑलरेडी यहाँ ऊपर बना हुआ था, तो उसी के आउटपुट से हमने एक इनपुट लेके एंड गेट कर दिया, और सी इन की एक इनपुट लेके इसको इनपुट कर दिया। ए बी, ए बी सिंपल एक 2 इनपुट का एंड गेट बनाया, फिर इन दोनों के आउटपुट को एक और गेट में कर दिया, तो ये हमारे पास बन गए फुल एडर की। अच्छा, फुल एडर को एक और तरह से किया हुआ है कि इन्होंने जो है वो 2 हाफ एडर को मिलाए, 2 हाफ एडर मिलाए तो वो एक अब वो बन गया, ठीक है। 2 हाफ एडर क्या, ये ए और बी को जोर किया, तो ये और फिर सी इन के साथ किया, सी इन जो है वो इन्होंने एक ये जो बी है इसको इन्होंने सी इन का करार दे दिया,
कि ये सी एन हो गया, तो इनको किया तो ये आपस में जो है सम निकल कर आ गया, और फिर इनको एक और गेट में कर दिया तो ये हमारा वो आ गया, आउटपुट कैरी आ गया। तो ये वाली ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी, ये वाली समझ आए ना आए तो वो आपके ऊपर है। तो ये इस तरह से ये हो गया फुल एडर। अच्छा, अब एडर्स जो बेसिक एडर्स थे वो क्या कर रहे थे कि एक सिंगल बिट इनपुट लेते थे, वो सिंगल बिट यानी कि या जीरो ले सकते हैं या वन ले सकते हैं। तो हमें सिंगल बिट की बजाय ज़्यादा बिट के अगर हमें एडिशन करानी है तो उसके लिए हम क्या करें, तो उसके लिए होते हैं पैरेलल बाइनरी एडर्स। ठीक है, अगर सिंगल बिट जो है वो उसके लिए हम हाफ एडर फुल एडर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें 2 बिट 3 बिट 4 बिट चाहिए तो फिर उसके लिए हम पैरेलल एडर यूज़ करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अगर हमें 2 बिट इनपुट, अगर हमें 1 बिट लेना है तो उसके लिए तो हम हाफ एडर फुल एडर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, 1 बिट से ज़्यादा लेना है तो फिर पैरेलल एडर आता है। पैरेलल बाइनरी एडर कोई अलग से नहीं है, वो फुल एडर और हाफ एडर को मिला के ही बनता है। ठीक है, फुल एडर और हाफ एडर को मिला के पैरेलल बाइनरी एडर बनता है। तो ये जो एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में 2 बिट नंबर जो है वो ऐड हो रहे हैं। ठीक है, ये फर्स्ट है 1 1, सेकंड है 0 1। ठीक है, 1 1 0 1, इसकी हम एडिशन कर रहे हैं। तो ये वाला जो एडिशन है ये कहलाएगा 2 बिट पैरेलल बाइनरी एडर। ठीक है, 2 बिट। अच्छा, 2 बिट हम इसको नाम दे भी सकते हैं 2 बिट, अगर ना भी लिखें तो बाय डिफॉल्ट तो पैरेलल एडर शुरू ही 2 बिट से होता है। हाँ, अगर हम 3 बिट कर रहे हैं तो उस पर हम कह सकते हैं कि 3 बिट बाइनरी एडर, 4 बिट बाइनरी एडर, 2 बिट भी हम लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, ऑप्शनल है। अच्छा, अब इसकी एडिशन करते किस तरह हैं, इसकी एडिशन किस तरह करते हैं, अगर आपको मेरा ना समझ आए ना तो ये टीचर का है लेक्चर नंबर 8, इसको एक दफ़ा देख लेना, बहुत अच्छे से समझ आएगा। टीचर ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन करती हैं, तो एक दफ़ा इस लेक्चर को देख लेना, बहुत अच्छा समझ आएगा। तो इनकी एडिशन होती कैसे है कि 2 नंबर ऊपर लिखते हैं, मतलब 1 नंबर ऊपर लिखते हैं, 1 नंबर नीचे लिखते हैं, प्लस का साइन। तो इसको करते अलग अलग सही हैं, जैसे 1 1 का एडिशन क्या होता है, 0 और कैरी जाता है 1। कैरी का करेंगे 1 1, फिर हमारे पास आता है 0, और फिर आगे हमारे पास कोई नंबर नहीं है तो ये हमारे पास 1 जो आया ये कैरी आ गया। ठीक है, अगर हमारे पास कोई और नंबर आगे होता तो फिर कैरी उसमें चला जाता, लेकिन यहाँ कोई था नहीं तो हमने कैरी ऐसे ही लिख दिया। तो हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया 100। अच्छा, तो ये हमारे पास आ गया। अच्छा, अब ये जो होते हैं ना, ये जो ऊपर होते हैं ना नंबर लिखे हुए, ये ए होता है और जो नीचे इनपुट होती है वो बी होता है। ठीक है, ये ए होता है, ये बी होता है, ये जो 1 1 है ये ए है, ये जो 0 1 है ये हमारे पास बी है। अब ये जो ए का है 1 1, आप सही आ रही है आवाज मेरी, वो मुंह पा रहा है। ठीक है, अच्छा, अब ये जो 1 1 है ये ए है, 0 1 जो है वो बी है। तो ये जो 1 1 है ना, इसको हम डिवाइड कर देंगे, लाइक 1 को 1 कर देंगे, 1 को 1 कर देंगे। तो ये जो स्टार्ट हो रहा है ना राइट टू लेफ्ट, ये वाला 1 कहलाएगा A1, ये वाला 1 कहलाएगा A2,
इसी तरह से b है तो ये कहलाएगा b1, ये कहलाएगा b2, सही है, सही है, इसको याद रखना जरूरी है। और ये जो आंसर आते हैं ना, इसको हम कहते हैं सिग्मा वन, सिग्मा टू, सिग्मा थ्री। यहाँ पे तीन बिट आ रहे हैं ना, तो एक को हम कहेंगे सिग्मा वन, दूसरे को कहेंगे सिग्मा टू, तीसरे को कहेंगे सिग्मा थ्री, ठीक है। तो सिग्मा सम के लिए होता है, तो वो कहेंगे सम वन, सम टू, सम थ्री। अच्छा, अब इसकी डायग्राम ना कुछ इस तरह से बनती है। इस डायग्राम को लेफ्ट टू राइट में देखना, ये हमेशा स्टार्ट होती है राइट टू लेफ्ट। पहला इसमें हम एडर्स की जो थी ना, वो जो सिम्बॉलिक थी डायग्राम, ये दिस, ये वाली, इसको मिला के ही हम पैरेलल एडर बनाते हैं, ठीक है। अब देखो तो यहाँ पे ना दो फुल एडर यूज हुए हुए हैं, ठीक है, फुल एडर। ये जो पहला वाला है ना, इस पहले वाले को हम फुल एडर भी यूज कर सकते हैं, हाफ एडर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद जितने भी एडर्स आते हैं वो लाजिम है कि फुल एडर्स हो, ठीक है। ये वाला फुल हो सकता है, हाफ हो सकता है, लेकिन ये इसके बाद जितने भी आएंगे वो लाजमी हैं कि फुल एडर्स हों, ठीक है। वो मैं बताती हूँ कि क्यों होने चाहिए। सबसे पहले इसको देख लेते हैं। अब इसमें क्या है, इसमें जो है इन्होंने जो है वो फुल एडर यूज किया हुआ है, ठीक है। ए बी सी इन फुल एडर लिखा हुआ है, सी आउट सिग्मा। अभी जो सी इन है ना, इसका यहाँ पे कोई काम नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो पहला है ना, या इसका अगर हम सी इन को हटा दें तो ये हमारे पास हाफ एडर बन जाता है, ठीक है। तो अच्छी बात है कि आप फुल एडर की जगह हाफ एडर यूज करते हैं, ठीक है। वो इसलिए कि अगर आप फुल एडर करते भी हैं तो हमें तो सी इन जीरो देनी पड़ेगी, जीरो देनी पड़ेगी, तो हम यहाँ पे फुल एडर लगा ही क्यों रहे हैं, फायदा क्या है। तो यहाँ पे हाफ एडर दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो वो फिर ए और बी आता है, फिर हमें किसी चीज को जीरो भी नहीं करना पड़ता, ठीक है। अब ए बी, इसका जो ए बी आता है उसको हम कह देते हैं ए ए वन बी वन, ठीक है। और जो सिग्मा आता है वो हम सिग्मा की वन की जो वैल्यू आती है, जैसे यहाँ पे अगर सिग्मा वन जो है वो जीरो है तो यहाँ पे हम जीरो लिख देंगे। ए वन की वैल्यू जो है वो हमारे पास है वन, बी वन की वैल्यू है वन, वो हम यहाँ पे लिख देंगे। अब इसकी जो सी आउट है ना, वो सी आउट देखें कि इसकी सी इन पे जा रही है, ठीक है। जब भी रीजन था कि यहाँ पे जो है हम वो सी इन को जीरो दे रहे थे, क्योंकि किसी और की आउटपुट तो इसके अंदर नहीं आ रही है ना, ये हम स्टार्ट ही यहाँ से कर रहे हैं, तो इसलिए लाजमी है कि इसके बाद आप जितने भी एडर्स लगाएं वो हमेशा फुल एडर्स होने चाहिए, क्योंकि इसकी जो सी आउट होती है वो जाके इसकी सी इन से कनेक्ट होती है, ठीक है। इसकी सी आउट इसकी सी इन से कनेक्ट होती है, ठीक है। अब फिर क्या हो जाता है कि ये ए और बी जो है ए टू बी टू हो गया, ठीक है। सी इन तो हमारा ये यही एक अटैच रहा, सम जो है वो इसका ये जो है वो सम टू हो गया, ये हमारा सम वन था, ये सम टू हो गया। और जो सी आउट है, क्योंकि इसका सी आउट कहीं और से कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो यही हमारे पास सम थ्री आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे भी देखें इसको, ये क्या हमारी ये जो है कि अगर हमने वन वन को प्लस किया तो सम हमारे पास जीरो आ गया, लेकिन जो इसका कैरी था वो क्या किया, वो दूसरे में चला गया। तो अब इसी डायग्राम को देखो कि ए और बी को प्लस किया तो इसका सम जो है वो जीरो आ गया, लेकिन इसका जो कैरी था वो उसकी दूसरी उस पर कैरी चला गया, ठीक है। अब इसी पे अगर आप दोबारा देखो तो इसका जो है वो सम जीरो आ गया, लेकिन इसका कैरी कहीं और नहीं गया, तो इसके साथ ही लिख दिया गया। यहीं पे देख लो तो इन दोनों का सम ये आ गया सम टू, और इसकी कैरी जो है वो कहीं और नहीं गई, साथ ही लिख दी, तो ये सम थ्री आ गई, ठीक है। तो जितने